हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं ये रुई जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट दही बड़े, ये आप भी अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बनाएंगे घर पर ही बाजार जैसे दही बड़े, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। वैसे तो दही बड़े मूंग दाल से भी बनते हैं और उड़द दाल से भी बनते हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उड़द दाल जो बिना छिलके वाली है, यहाँ पर हमने ली है बिना छिलके वाली उड़द दाल के दही बड़े। तो हमने यहाँ पर दाल को भिगोकर ले लिया है, ओवरनाइट इसे सोक करके लेने के बाद ही आप इसके बड़े बनाएं। जितनी दाल हम लेते हैं भीगने के बाद क्वांटिटी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर 4-6 हरी मिर्च ली हैं और 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा। तो इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जार लिया है जिसमें सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो हम दाल के साथ ही अदरक और हरी मिर्च को पीसेंगे। दाल अगर अच्छी तरह से पिस गई तो समझो आपका आधा काम तो पूरा हो गया है। अगर आपने दाल को परफेक्टली पीस कर ले लिया है तो समझिए कि दही बड़े बिल्कुल बाजार जैसे आपके बनने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे पीस कर ले रहे हैं, तो देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर एक बर्तन लिया है जिसमें दाल को निकाल कर कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सारी दाल पीस कर ले ली है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले मिलाएंगे नमक, जिसमें कि थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स हो गई है। आप जब नमक मिलाएं तब ध्यान से मिलाएं, बाकी का नमक भी मिला देंगे। नमक को स्वाद के अनुसार ही यूज़ करेंगे। नमक थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिए, क्योंकि बाकी चटनियों में भी नमक होता है, तो वड़े में नमक थोड़ा कम ही रहने दीजिए। तो दाल को कुछ इस तरह फेटेंगे। दाल को इस तरह फेटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दाल को फेटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बिना दाल को फेटे आप सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़े नहीं बना सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक कि बैटर फ्लफी ना हो जाए हम इसे कंटिन्यूसली फेटते रहेंगे। पुराने ज़माने में सिलवट्टे पर दाल पीस कर दही बड़े बनाए जाते थे। कम से कम हमें उससे कम ही मेहनत करना पड़ता है। तो दाल फिट कर तैयार हो गई है, ये कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा बैटर आप ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करके देखिए इस तरह। अगर वो फॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा टाइम है दाल को फिटने में। जैसे हम व्हिप्ड क्रीम तैयार करते हैं उसी कंसिस्टेंसी में हमें इस बैटर को रेडी करना है। आप थोड़ा सा बैटर उठा के देखिए, अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तब आप समझ जाइए कि ये तैयार है। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी मिला सकते हैं। हमने यहाँ पर कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर ली है एक कढ़ाई, इसमें हम इतना तेल डालेंगे कि वड़े इसमें डूब जाएं और अच्छी तरह से डीप फ्राई हो जाएं। तो एक एक करके गोल गोल वड़े हम बना लेंगे। एक बार में सिर्फ उतने ही बड़े आप डालें जितने की आसानी से बाहर निकल जाएं। अगर आप ज़्यादा बड़े एक साथ डाल देंगे तो आपको निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो जब आप बड़े डालें बहुत ही सावधानी से इन्हें डालें, इनका शेप गोल रहने दें। बड़े डालने के तुरंत बाद हमें इन्हें टच नहीं करना है, जब इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उसके बाद ही आप इसे पलटें। चारों तरफ से उलटते पलटते हुए बड़ों को डीप फ्राई करेंगे। जब बड़ों का कलर गोल्डन हो जाए तब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो टाइम है बड़ों को बाहर निकाल लेने का। तो एक एक करके सारे बड़े बाहर निकाल लेंगे।
इसी तरह बाकी के बड़े भी हम डीप फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो फाइनली वड़े बनकर तैयार हैं। एक वड़ा मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कितने स्पॉन्जी वड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर से जालीदार वड़े बनकर रेडी हुए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह आप भी बनाएं। वड़ों के रेडी हो जाने के बाद एक बोल में यहाँ गुनगुना पानी लेंगे। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हमें ल्यूक वार्म वाटर चाहिए। पानी कितना गर्म होना चाहिए ये चेक करने के लिए आप एक उंगली डालकर इसे चेक कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म होगा तो आप उंगली नहीं डाल पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, साथ ही चुटकी भर हींग मिलाएंगे। उड़द दाल बादी करती है इसलिए यहाँ पर हमने हींग मिलाई है, जिससे बादी दूर हो जाती है। तो यहाँ हींग को मिक्स कर देते हैं। हींग को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं भुने हुए जीरे का पाउडर मिला रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब वड़े इसमें पड़ेंगे तब वड़ों के अंदर ये पानी सोक हो जाएगा और टेस्टी वड़े तैयार हो जाएंगे। तो एक एक करके हम यहाँ सारे वड़े डाल देंगे। आप चाहें तो वड़ों को थोड़ा सा प्रेस करके भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से अंदर तक पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वड़ों में पानी अंदर तक पहुंच जाए उसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट की हेल्प से वड़ों के ऊपर इन्हें ढककर पानी को अंदर पहुंचने में हेल्प कर दूंगी। इन्हें 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें 1 कप दही डाला है, उसमें हम सबसे पहले शक्कर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 चम्मच शक्कर मैं मिक्स कर रही हूँ। दही थोड़ा खट्टा मीठा होता है तब टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। तो एक मिक्सर की हेल्प से मैं यहाँ पर शक्कर को दही में फेंट देती हूँ। दही को बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी क्रीमी दही बनकर तैयार हो गया है। दही को तैयार करने के बाद यहाँ चटनी की तैयारी कर ली है। तो यहाँ धनिया पत्ती ली है, 2-3 हरी मिर्च ली है, होम गार्डन से हमने फ्रेश फ्रेश मिंट लीव्स ले ली हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इन पत्तियों को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर एक नींबू लिया है, जीरा लिया है और करी लीव्स ली हैं। तो एक डिफरेंट टाइप की चटनी हमने बनाकर तैयार की है। आप भी इस चटनी को ट्राई कीजिए, आपने ये पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। दही बड़े का टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। अब तैयार कर लेते हैं सीक्रेट मसाला जो कि दही बड़े का लुत्फ और भी बढ़ा देगा, जिसमें हमने ली है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, भुना हुआ जीरा, सौंठ, चाट मसाला, काली मिर्च और काला नमक। सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। जब ये सीक्रेट मसाला दही वड़ों में पड़ेगा तब मार्केट के दही वड़े भी फेल हो जाएंगे। तो इस बार दही वड़े में कुछ नया ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी और ये सीक्रेट मसाला। तो मसाला भी रेडी है, धनिया की चटनी भी हमने तैयार कर ली है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। इसे साइड में रख देंगे। साथ ही यहाँ पर हमने इमली की चटनी बनाई है,
इमली की चटनी कैसे बनाई है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। और दही भी तैयार है। बड़ों को चेक कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं बड़े अपने साइज से फूलकर और बड़े हो गए हैं। एक एक बड़ा निकालेंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करके इसके एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देंगे। कुछ लोगों का सोचना है कि दही बड़े जब पानी में डालते हैं तो उनका टेस्ट पनीला आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सोच ही है। बड़े पानी में डालने से एक फ़ायदा होता है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा पानी में निकल कर आ जाता है। तो इसी तरह एक एक करके बड़ों का पानी निकाल लेंगे और इन्हें साइड में रख लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं दही वड़े। तो अभी वड़े बनकर तैयार हुए हैं, अब इनको दही वड़े में बदलने का टाइम आ गया है। तो एक एक करके वड़े हम इस बोल में रख देंगे। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे दही जो कि हमने तैयार करके रखा है पहले से। तो ये गया वड़ों में दही। दही वड़ों को देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। ये क्रीमी क्रीमी दही आप देख रहे हैं, इसे भी हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। दही कैसे जमाते हैं इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद डालेंगे इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी। तो स्वाद के अनुसार इसे भी डालेंगे। मुझे तो इमली की चटनी बहुत ही पसंद है, आपको पसंद है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद जो हरी चटनी हमने बना के तैयार की है उसे भी इसमें डाल देते हैं। फाइनली इसके ऊपर जो हमने सीक्रेट मसाला बना कर तैयार किया है वो भी डाल देते हैं। तो देखिए तैयार है दही बड़े। इसका फाइनल टच कितना बेहतरीन लग रहा है, इन्हें देखने के बाद आप खाए बिना रह नहीं सकते। तो आप भी बनाइए रुई जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट दही बड़े, बहुत ही आसानी से बनने वाले दही बड़े। इन्हें दही भल्ला भी कहते हैं, पंजाब में दही भल्ला बहुत फेमस है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बड़ा कट करके। तो देखिए बहुत ही आसानी से कट हो गया है, बहुत सॉफ्ट बड़ा बनकर तैयार हुआ है। जो मेहनत हमने की थी वो सफल हो गई है। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब किस लिए करना है, जिससे कि मेरी आने वाली और भी यमी यमी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे